लकडाउनको समयावधि बढेसँगै विभिन्न जिल्लामा राहत वितरणको कार्य जारी नै रहेको छ। भौतिक दूरी कायम गर्दै राहत वितरण कार्य चलिरहँदा महोत्तरीको एक डाँडा गाउँपालिकाका वडा नम्बर 2 पनि राहत वितरण कार्य अझै जारी रहेको पाइएको छ। प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट। महोत्तरीको एकडारा गाउँपालिकाका वडा नम्बर 2 अध्यक्ष अजय कुमार यादवले पहिलो चरणको राहत वितरण कार्य जारी नै राख्नु भएको उहाँले बताउनु भएको छ। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण देश नै लकडाउन भएका बेला दैनिक जाला मजदुरी गर्ने तथा विपन्न परिवारलाई एकडारा गाउँपालिकाले राहत दिने कार्य सुरु गरेको थियो। एकडारा गाउँपालिका वडा नम्बर 2 बुधबार बिहानदेखि जारी रहेको खाद्यान्न वितरण कार्य गरेको उहाँको भनाइ छ। प्रदेश सरकारले दिएको 10 लाख र गाउँपालिकाका विपद व्यवस्थापन कोषबाट 2 करोड मिलाएर राहत वितरण गरेको अध्यक्ष यादवले बताउनु भएको छ। राहत वितरण कार्यमा गाउँपालिकाबाट नै ढिलो भएको उहाँको भनाइ थियो। राहत वितरण सोना मसुरी चावल 1 किलो 30 किलो, हरियो दाल 3 किलो, चिनी 2 किलो, नुन 2 किलो, तेल 2 किलो, साबुन 4 पाउंड। अखन तक अपने के 1,065 घर अपने के बीन टोल 18 घर मिले। ग्यारह गाँव पालिका में जो है अपने के विलम्ब हो के कारण है कि जो सामान उपलब्ध नहीं है। दोसर नंबर बात है कि अपने के ज़्यादा बस्ती में अपने के कौन है दलित है, एहि कारण से सामान ज़्यादा लाए पड़े, ज़्यादा बिक्री बेसी टाइम लगे। 5 वा 100 भन्दा माथि रहेको परिवार सदस्यलाई चामल 30 किलो, दाल 3 किलो, आलु 3 किलो, नुन 1 किलो, खानेतेल 2 लिटर, 2 किलो चिनी र साबुन 4 थानको सहित प्याकेज बनाएर वितरण गरिरहेको अध्यक्ष यादवले बताउनुभयो। महोत्तरी जिल्लामा 15 स्थानीय तह रहेको 5 नगरपालिका र 10 गाउँपालिका रहेको मानिसहरूलाई सचेतना नभएको कारण लकडाउन बुझ्न नसकेको उहाँको गुनासो छ। यस वडामा मास्क र साबुन वितरण गरिसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। एकडाँडा गाउँपालिका वडा नम्बर 2 घर धुरी रहेको सबै जनतालाई राहत सामग्री दिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। एकडाँडा गाउँपालिकाका हाल खोरी गाउँमा 15 बेडको क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै वडा नम्बर 2 वडा सचिव लाल बहादुर ठाकुरले आज राहत वितरणमा पासवान टोलमा 88, मलिक टोलमा 14, विन टोलमा 30, महरा टोलमा 30 जम्मा मिलाएर 196 घरधुरीमा बाँडिएको र बिहानदेखि छुटेको घरधुरीमा फेरि बाँड्ने ठाकुरले बताउनुभयो। ठाकुरले एकडाँडा गाउँपालिकाका जनतावासीलाई लकडाउनको पालना गर्ने, घरबाट बाहिर ननिस्किने, भिडभाडमा नजाने आग्रह समेत गर्नुभयो। तीन किलो रहर के दाल, 2 किलो आयोडीन नमक, 2 किलो चीनी, 2 किलो तेल और जैसे 4 पीस साबुन। अब ई प्रथम चरण के राहत वितरण भेला के बाद जैसे ई रिपोर्टिंग भरपाई देवे, तक बाद जैसे दूसर चरण के जैसे ई भेले जे खास करके निर्णय प्रक्रिया जे है से गाँव पालिका से लेट भेलै, ओहिके चलते जे है से व्यायाम है। लास्ट में हम एकडारा गाँव पालिका लगाए थे वार्ड के संपूर्ण नागरिक समाज से आग्रह करबे कि अपन डिस्टेंस दूरी बना के रहू, और ई कोरोना वायरस एहन संक्रमित रोग है जकर लाइलाज है, कोनो इलाज न है अभी तक। कोनो विश्व के कोनो देश जैसे कर प्रमाणीकरण औषधि नहीं निकाल सकी है, ते लेल जते हम अहाँ सेफ्टी रह तते रूप से बचो के अथी में रह। अगर मूल नारा भी है आप बचो और लाइफ को बचाओ, तो हम सब के संदेश ये देवे कि अपने सुरक्षित रहो और दूसरों के सुरक्षित रहो। त्यसै गरी खाने पानी तथा सरसफाईका सदस्य राम किशुन यादवले मानिसहरूलाई पहिला कुपन बाँडेर राहत वितरण गरिरहेको बताउनु भएको छ। राम किशुन यादवले यस वडामा शान्तिपूर्ण रूपले राहत वितरण भइरहेको, यसमा वडामा कुनै राजनीतिक चलखेल नदेखा परेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। पहिलो चरणको राहत सम्पन्न गरेर पुनः दोस्रो चरणको राहत बाँड्ने उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो।
वहाँ तो पूरा रूप से पूर्ण पालना है, लेकिन अब गाँव भरी रोकने चलि जाए पूर्ण रूप से पालना कहे पड़े से भरे गाय लोग 102 कूपन बटन रहिए तेमें 97 गो राहत वितरण भेल और कुछ एक दिन तीन आयल रहे कम गए बाहर आई जमा में 96 कूपन बटने तखन तो जारी है। राहत वितरण कार्य में नगर प्रमुख राम छविला शाह सहित उप प्रमुख महजवी खातून, नगर का कर्मचारी राम किशुन यादव, वड़ा नंबर 2 का वड़ा अध्यक्ष अजय कुमार यादव लगाये संचार कर्मी, प्रहरी प्रशासन सहित स्थानीय को सहभागिता रहेको थियो। एरिना टीवी का लागि महोत्तरी बाटा कैमरा में आकाश झा को साथ संवाददाता पप्पू यादव को रिपोर्ट।